स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही थी. अभी सनम बलोच शो में बहुत एक्सटेंडेड उसके हवाले से गुफ्तगू हुई थी. ठीक है, सो ही इज बेसिकली दैट मैन हु वाज माय कंसल्टेंट बट नाउ ही इज अ फैमिली फ्रेंड एज वेल. ओके, ही चेंज्ड माय लाइफ. ही एक्चुअली गॉट मी आउट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन व्हिच यू नो आई वाज सफरिंग फ्रॉम. यू वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? यस. इतनी खूबसूरत लड़की को डिप्रेशन किस चीज का हो सकता है? वो यही तो मसला है. लोग कहते हैं किस चीज का स्ट्रेस है आपको? क्या मसला है तुम्हें? मुझे क्या लगता कमी है कि, मुझे लगता है कि हर कोई ना कहीं इस चीज से गुजर रहा होता है. हमें लगता है नहीं, हमें अभी जरूरत नहीं है कंसल्टेंट की, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं है. जरूरत मुझे लगता है थेरेपी, या थेरेपी तो मैं नहीं कहूंगी, एक जो एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होती है ना एक वाइज इंसान के साथ बैठ के, वो बहुत जरूरी होती है. और मुझे बहुत छोटी उम्र में डॉक्टर आलम मिल गए. I am one of the luckiest one, I guess. लेकिन कोई अपने डॉक्टर का नाम अपनी नब्ज पढ़ के हो गए ना, अच्छा नब्ज के ऊपर. हाँ. इसका मतलब है ये एक तरह से दिल है. जब आपने दिल के अपना रीड हाँ. करना हो ना तो आप पल्स रीड करते हैं. बस मैं डॉक्टर आलम का वो जो है वो अपने दिल पे नाम लिखवाया हुआ मैं बस. ओ दिल पे डॉक्टर आलम का नाम है ना, क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मैं तो मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझे इस बात से फर्क पता चिड़ होती है अब कि डॉक्टर का नाम इस पे लिखवा लिया. मतलब दुनिया में लोग अपने बॉयफ्रेंड्स का नाम रिस्ट पे लिखवा रहे हैं, दुनिया में लोग अपने वालदैन का तो खैर नाम लिखवाते नहीं है रिस्ट पे, बड़े वो मुश्किल हाँ, से हो जाता हाँ. है. और बॉयफ्रेंड्स का नाम लिखवाते हैं जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो जाता है. अब मैंने एक ऐसे इंसान का लिखवाया है नाम जो कि मेरे खाने पीने से लेके मुझे किन के साथ उठना बैठना है, मेरा क्या क्या सोने का स्केड्यूल होना चाहिए. एक ऐसा इंसान जिसने वालदैन से बढ़ के किया आपकी जिंदगी के लिए, जो कि मेरे वालदैन से भी ऊपर पोजीशन रखता है. ठीक है, मगर ये क्या स्टेज थी? और इतनी छोटी सी हिना जो है वो इतनी जिंदगी के पहले हिस्से में ही इस तरह की उतार चढ़ाव पे से क्यों गुजरी? हाँ, फिर वो आराम से बाद में बैठ के बात करेंगे. हम बैठने लगे हैं क्योंकि मुझे ये बात सुनने में दिलचस्पी है. तो ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे. चलो, और ब्रेक के बाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटी टिप्स. हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. खुश आमदीद. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आजकल की यंग लॉट जो है एक्टर्स की, उसमें मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से मिल रही हूँ, तो आपको लगेगा शायद मेरे मुंह पे बैठी नहीं है इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ. लेकिन यकीन करो, मैं बहुत अरसे से प्लेज नहीं देख रही थी. एक जमाने से मैंने ड्रामे देखने छोड़े में, लेकिन मुझे ना 7-8 बजे कुछ होना शुरू हो जाता था. और मैं कहती थी यार मैं यहाँ से काम से ना, हम लोग काम कर रहे होते हैं लेट तक बैठे मॉर्निंग शूटिंग, तो मैं निकल के जाके ना तो आपका जो प्ले है ना वो ऑन करके देखा करती थी, सिर्फ आपकी वजह से देखा करती थी. उस पूरे के पूरे सीरियल में मुझे आपकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस ने बहुत टच किया है. रिमार्केबल. कौन से ड्रामे की? गुमराह की बात कर रही हैं. आप दूसरी धांसू से दूसरी बीवी बनी हुई है. कभी मुझे गुस्सा आता था आप पे, कभी मुझे आप पे दिल करता था आपको कुछ कहा जाए, कभी मुझे आप पे तरस आता था. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ योर गुड एक्टिंग. थैंक यू सो मच. और उसके ना क्रेडिट में जो सबसे ज्यादा देना चाहूंगी, कल रात भी मेरी उनसे बात हो रही थी, साइमा वसीम जो हमारी डायरेक्टर हैं, आई थिंक शी हैज डन अ रिमार्केबल जॉब फरा. क्योंकि पता है हमारे यहाँ खवातीन को एक तो बहुत हल्का लिया जाता है इंडस्ट्री में, यार चलो औरत है कितनी मेहनत कर लेगी, कितनी ला के दे देगी. मुझे वहाँ पे क्योंकि चैनल ने मुझे दो ऑप्शंस दिए थे, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना था जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, और साइमा के साथ मुझे पहली दफा काम करना था. मैं कहती यार साइमा पता नहीं, जबकि साइमा पुरानी है अपनी इंडस्ट्री की. मैंने कहा यार पता नहीं. मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह का नाम लेके कर लेते हैं साइन. वो बंदी फरा मुझे एक लाइन 18-19 दफा बुलवाती थी. अच्छा. और अगर की और कायम में अगर कुछ एरर आ जाए वो छोड़ती नहीं थी. वो कहती थी मुझे यही लाइन चाहिए, और मेरा गला खुश्क हो जाता था. मैं कहती थी, और फिर मैं चिढ़ने लग गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने आप में जी बड़ी कोई हिना अल्ताफ और बड़ी कोई अच्छी एक्टर. तो जब मुझे साइमा कहती थी मॉनिटर पे कि फिर से दो गलत लाइन दिए फिर से दो, तो मैं ऐसी होती थी अच्छा ठीक है साइमा दे रही हूँ. लेकिन इसलिए वो एक्सप्रेशन जो है ना वो फिर सही चिड़ के आते थे. हाँ चिड़ के आते. तो साइमा कहती थी मैं इसकी चिड़ और इसकी जो इरिटेट हो रही थी वो मैं समझ सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए. मुझे स्क्रीन पर चाहिए था, चाहिए थी, क्योंकि वो आपके पूरे थाई इरिटेशन का कैरेक्टर है, तो वो आपको इरिटेट करके ही शायद लेना जरूरी है. इतना गुस्सा, और मैं गुस्सा कर ही जाऊँ, फैजल रहमान का कैरेक्टर, तुम एक पागल औरत हो, मैं गुस्सा कर ही जाऊँ, तुम एक नाअहल औरत हो. अच्छा है ना, अभी क्या किया? वजन कम किया? मैंने वजन कम किया. और ये सिर्फ डाइट से किया है या जिम से? जिम से, सिर्फ जिम से. जिम से, और एक डाइट मैंने नहीं की, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी किया है. और उसका मतलब क्या है? कितने बजे सो जाती है ना? इसका ये मतलब है कि एक हफ्ते से ज्यादा मैंने एक चीज कोशिश की थी करने की, जो कि मुझे वापस करनी. मैं 7 बजे अपना आखिरी मील कर लिया करती थी, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी.
और जैसे मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास प्रॉपर उस तरह के डॉक्टर्स नहीं जिस तरह से शायद इंडिया में और हॉलीवुड में पाए जाते हैं, जो कि आपका प्रॉपर वो हर चीज बना के दे सके. आपको तुक्के मारने पड़ते हैं, इसको भी ट्राई कर लो, उसको भी ट्राई कर लो, जो बेस्ट उसको अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, मैंने प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया था, चिकन और शामी कबाब. उससे क्या हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लग गया. ठीक है, उसके लिए आपको कार्ब्स लेना जरूरी है. अगर रोटी भी खानी, मुझे लगता है इतनी सी रोटी काफी होती है, चावल खाने इतने से चावल काफी होते हैं. तो अगर जहाँ पे आप व्हाइट शुगर ले रहे हैं, वहाँ पे ब्राउन शुगर लेना शुरू कर दें. जैसे हमारे घर पे ब्राउन शुगर, लेकिन आपको किससे कहा था कि आपको जरूरत है, बिकॉज आपको थोड़ा गोल गोल चेहरा. यार जो गोरा के अंदर जो कमेंट्स आते थे, फरा है ना कितनी मोटी हो गई है, मतलब मेरी जितनी बॉडी शेमिंग यंग एक्टर्स में मेरी हुई है किसी की नहीं हुई होगी. अच्छा, किसी की नहीं हुई होगी. मुझे तो पहले तो ना बहुत बुरा लग रहा था कि यार मतलब अच्छा मैं क्या बहुत मोटी हो गई हूँ, क्योंकि सामने से नहीं पता लगता आपको इतना. स्क्रीन पे, ड्रामे की स्क्रीन पे आप वैसे भी ज्यादा मोटे आ रहे होते हैं. यार हिना का मोटी कितनी हो गई है, पता नहीं तो किस बात की खुशी, कितना वजन इसका आया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें. मैंने कहा बस अब मैं अपना वजन कम करूंगी. उसके बाद मेरी जिंदगी में शोएब आया, जो मेरा बहुत जबरदस्त ट्रेनर है. उसने मुझे 3-3.5 महीने ट्रेन किया. मेरे से कल रात भी बात हो रही थी कि यार वो क्रॉसफिट करना है और अच्छी हिट की अच्छी ट्रेनिंग तुम बना के रखना, मैं करूंगी. सो इट वॉज ऑल अबाउट जिम और अच्छा लाइफ स्टाइल. सही, दो बंदों का मुझे नाम पता चल गया, एक डॉक्टर आलम और एक शोएब. अभी और भी बहुत सारे लोगों के नाम आने वाले हैं, क्योंकि डिप्रेशन का भी हमने जिक्र नहीं किया. लेकिन चलो डिप्रेशन की बातें छोड़ो, आप यहाँ पर आ जाओ. ख्वाबों का शहजादा है कोई ख्वाबों में बसता है, किसी के चेहरा कभी धुंधला धुंधला सही सही दिखाई देता हो. अच्छा उधर आ रहे हैं अभी, पहले इधर. अच्छा ठीक, ये एक मार्कर है. ठीक, पहले हम देखेंगे कि उस बंदे को हम विजुलाइज करेंगे कि वो कैसा होगा. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो अच्छी लगेंगी. अच्छा, लेकिन मैं पता है अब शायद मुझे लोग बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या बात कर रही है, मुझे शादी नहीं करनी है. लेकिन मैं फिर भी आपके लिए फील क्या कहा है आपने, सब कुछ फील करूंगी. नहीं, आपने भी कुछ कहा है, पर मुझे शादी नहीं करनी. किससे? किसी से भी, कभी कभी भी, कभी भी, कहीं भी. नॉट एट ऑल. इस पे क्या है, मेरे को जोर से हंसे इस पे. क्यों इतनी, मुझे सब ये बोलते हैं, तुम पता है उन लड़कियों में से है ना जो अपने घर वालों से लड़के शादी कर लेगी. हाँ. तो ये ना ही बोलो कि तुमने नहीं करी. आप उनमें से होगी शायद जो ये रात को कहेंगे सुबह मैं शादी कर लेंगी. हाँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ, लेकिन मुझे 3-4 महीने पहले ऐसा लगने लग गया है कि मैं नहीं कर सकती शादी. वजह बहुत सारी है, बैठ के बात करेंगे. अभी अब हर जगह ना हिना मुझे टेम्पटेशन देती है कि बैठ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं ताकि हम बात कर लें. तो जल्दी से इसको, अच्छा जल्दी से इसको फिल करो ताकि चलो जी. मेरा हीरो जोरू का गुलाम या मम्मी डैडी बच्चा? मम्मी डैडी बच्चा कौन सा? जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम. वेरी गुड, गुड चॉइस. रंगीन मिजाज या शर्मीला? शर्मीला. हाँ अच्छा, शाखर काबू में रहेगा. शाखर या कंजूस? शाखर ऑब्वियसली. प्यार करने वाला, पैसे वाला? पैसे वाला. मेरे दिलों की बात की नहीं की. गुड. अच्छा जी, और क्या? नखरे उठाने वाला है अपनी अपनी मनवाने वाला? हाँ, नखरे उठाने वाला. ठीक है, एक्टर या डॉक्टर? डॉक्टर. वाह, वेरी गुड. तो हमें एक बात तो पता चल गई कि कोई डॉक्टर जितने हैं वो रिश्ता भेज सकते हैं. हाँ, बाकी और कोई नहीं. अच्छा, इंडिपेंडेंट या नहीं? इंडिपेंडेंट. हाँ. या ये अशफाक अली के खूबसूरत से स्पेलिंग जो है उनको माफ नहीं करेगा. अच्छा चलिए, इंडिपेंडेंट. हाँ, ये सही, इंडिपेंडेंट वाला जी. ठीक है. हाँ. और क्या? डाइट कॉन्शियस है? खाने का शौकीन? खाने का शौकीन. यानी इतना हो जाए वो हिना के साथ ऐसे ऐसे करके चला कर. लेकिन खाने के शौकीन तो मैं भी हूँ, लेकिन जरूरी कि आप जो बिरयानी खा रहे हैं आप उसको जिम में जाके फिर बर्न करें पूरा 2 घंटा बैठ के. तो अगर वो गरीब ना बर्न कर सके तो फिर उसका क्या बनेगा? कुछ मुझे खिला लिया कर, उसके हिस्से का मैं खा लूंगी. ठीक है, डन. अच्छा जी, दिल का साफ या रंग का साफ? साफ. रंग का साफ. यार दिल अच्छा कर लेंगे. दिल अच्छा कर लेंगे. ये दो चीजें बड़ी कमाल है कि दिल साफ कर लेंगे, कोई इसके लिए फैक्ट्री कारखाना देखा. शादी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हो जाएगी तो बोलूंगी यार देखो दिखने में तो अच्छा है, दुनिया वालों को दिखना चाहिए कि हमारी शादी सही चली, तुम गुड लुकिंग हो, मैं भी गुड लुकिंग, साथ अच्छे लग रहे हैं. बस इतना ही काफी है. बस इतना काफी है. ओके गुड, चलो बैठ के बात करेंगे. लेकिन ये बता दो कि इसका चेहरा कैसा बनाओगे आप? नाक कैसा होगा? ये हमारे खूबसूरत से एक्टर्स हैं पाकिस्तान के सारे,
जिनके लोग बड़े फैन हैं, लड़कियां मरती हैं, फिदा है, जान देती हैं इनके ऊपर, किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा, किसी की पता नहीं क्या क्या चीजें और अच्छी लगती हैं, बाल अच्छे लगते हैं, स्माइल अच्छी लगती है, आपको जिसका जो अच्छा लगता है वो आप इसमें हमें जरा बताओ। अच्छा, बाल मुझे लगता है कि एहसन और फवाद दोनों के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन लेंगे हम आई थिंक एहसन के ले लेते हैं, बाल एहसन के बाल ले लेते हैं। हाँ, एहसन के बाल ले लेते हैं। ओके, सो एहसन के बाल जो हैं वो हमने पिक किए, लेकिन दूल्हा बेचारे ने तो पगड़ी पहनी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम उसके बाल बना देंगे यहाँ पे। सो बाल होने चाहिए उसके एहसन की तरह के, डन। और क्या होगा? और आई थिंक ये भी ले लेते हैं, पैच बालों का, ठीक है, ताकि वो पूरा हो जाए, ताकि वो पूरा हो जाए। और एहसन की तरह बालों का क्या मतलब है जरा? मुझे ऐसा लग रहा है कि फवाद के मैं बालों को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ब्लो